Do you know? Do you know? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाश्री और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं एक स्वीट एंड बेकरी स्टाइल रेसिपी जो है केक। तो इसको हम घर में बनाएंगे, तो बिल्कुल ये जो प्रोसेस में घर में कैसे केक बनाएंगे आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए बनाते हैं इस केक को। तो केक बनाने के लिए हम लेंगे एक बाउल, बाउल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी, छन्नी में हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा, उसी सेम कप में मेज़र करके 1 कप शुगर लेना है और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। शुगर पाउडर को भी अभी हम उसी छन्नी में ही ऐड करेंगे मैदा के साथ, अच्छे से छान लेंगे उसको। इसमें आप बेकिंग पाउडर भी इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने बाद में ऐड किया है। ऐसे अच्छे से छान लेना है। अभी थोड़ा मिक्स कर लेंगे इसको। अभी इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो 2 कप मैदा के लिए 2 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है। इसको भी अच्छे से छान के मिक्स कर लेना है उसके साथ। अभी हम ऐड करेंगे मिल्क, जो कि रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। तो मिल्क को ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपको मिक्स करना है। मिल्क को एक साथ आप ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा ही ऐड करें। अभी हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ। बैटर को थोड़ा अच्छे से फेंट लेंगे। बैटर जो है ज़्यादा मोटा ना करें, ज़्यादा पतला ना करें, इसी कंसिस्टेंसी में ही रखें आप। अभी इसमें थोड़ा वैनिला एसेंस भी ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिया है जैसे कि काजू, पिस्ता, ये सब। उससे पहले थोड़ा सा मगज यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। काजू पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है, उसको भी यहाँ पे ऐड करके मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ा काजू पिस्ता मैंने कट करके बस टॉपिंग के लिए रखा है अलग। इसको मिक्स करके थोड़ा साइड कर लूँगी। यहाँ पे केक टिन ले रही हूँ। केक टिन में थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे और उसको चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेना है आपको। टिन में चारों तरफ से ऐसे लगा लें अच्छे से ऑयल को। देखिए ऊपर से बस थोड़ा सा मैदा ऐड करके मैदा का भी एक लेयर बना लेना है। केक टिन जो है बिल्कुल रेडी है। हमें अभी बैटर को केक टिन में डालना है। देखिए इस तरह से डाल लें। बैटर डालने के बाद थोड़ा टैप कर लेना है इसको इस तरह से चारों तरफ से। बस अभी ऊपर से हम थोड़ा सा मगज फिर ऐड कर लेंगे एंड काजू पिस्ता को बस सजा लेंगे ऊपर से। काजू को थोड़ा आप हाथ से प्रेस कर लें अंदर। देखिए ऐसे प्रेस करके डालें, अच्छे से सजा लें। देखिए टिन तो बिल्कुल रेडी है। अभी इसको हम माइक्रोवेव ओवन में बनाएंगे। तो पहले हमें इसको प्री हीट करना पड़ेगा। तो कन्वेक्शन मोड में 180 डिग्री सेल्सियस में 6 मिनट के लिए हमें इसको प्री हीट के लिए सेट करना है। 180 डिग्री सेल्सियस सेट है, 6 मिनट के लिए सेट करके बस स्टार्ट करना है। तो इसको छोड़ देते हैं प्री हीट होने के लिए। देखिए ओवन जो है वो अच्छे से प्री हीट हो चुका है।
तो अभी हम केक टिन को ओवन के अंदर रख लेंगे। अंदर गरम रहता है तो आप अपना ध्यान रख के केक टिन को अंदर रखें। अभी फिर से कन्वेक्शन मोड में ही 150 डिग्री सेल्सियस सेट करना है और 30 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए हमें स्टार्ट करना है। अभी 30 मिनट्स के बाद केक जो है बन के रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 मिनट्स 34 सेकंड बाकी है, तो केक देखिए बिल्कुल फूल के आया है ये। आप लोग भी घर में इसी प्रोसेस में केक बनाएं। 2 मिनट, 2 मिनट और ये एंड हो गया, तो बिल्कुल केक जो है रेडी है। अभी चलिए खोल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टूथपिक लिया है, उसको केक के अंदर डालेंगे और निकालना है। तो देखिए बिल्कुल क्लीन आ रहा है, यानी कि केक जो है अच्छे से वैक्ड हो गया है। देखिए बिल्कुल क्लीन है। अगर आपके टूथपिक में कुछ लग के आ रहा है तो फिर आप इसको फिर से 150 डिग्री सेल्सियस में ही 5-10 मिनट के लिए और बैक कर लें। अगर आपके टूथपिक जो है वो क्लीन निकल रहा है तो आपका केक अच्छे से बन के रेडी है। देखिए इसको साइड में थोड़ा 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद एक नाइफ की मदद से आप उसके पहले साइड को निकाल लें पहले, और फिर एक प्लेट में उसको निकाल लें केक को। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है ये, और दिखने में भी कितना ब्यूटीफुल है। तो चलिए इसको काट करके मैं दिखाती हूँ अंदर कैसा है। देखिए केक बिल्कुल सॉफ्ट है, देख के ही पता चल रहा है बिल्कुल सॉफ्ट ही है। तोड़ के अंदर देखते हैं थोड़ा। देखिए देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, देखने से ही पता चल रहा है अंदर। तो चलिए बाकी का भी कट कर लेते हैं। आप लोग भी घर में बनाएं इसी प्रोसेस में इस केक को, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। और काजू को जो है हमने थोड़ा अंदर प्रेस करके रखा था, तो देखिए बिल्कुल सेट होके आया है। तो थोड़ा ऐसे प्रेस करके ही रखें काजू को, और केक रेडी है। Do you know what it feels like loving someone that's seen a rush to throw you away? Do you know what it feels like? तो आप कब बना रहे हैं इस केक को आपके घर में? जल्दी ही बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी मेरे पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट भी कीजिए। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेके आपके पास आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव सब लोग।